अमृता किचन। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही फेमस रेसिपी जो कि बच्चों से लेके बड़ों तक सबकी पसंदीदा होती है। तो आज हम बनाएंगे पनीर चीज समोसा। ये बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं और बहुत ही यमी और टेस्टी भी ये लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा, मैदे को छान के लिया है। साथ ही यहाँ मैंने लिया है 1 चम्मच नमक स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच अजवाइन और 1/4 कप मैंने तेल लिया है। आप घी भी ले सकते हैं। इससे हम बनाएंगे डो। साथ ही स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे 7 से 8 आलू बॉईल करके लिए हैं। हरी मटर को भी बॉईल कर लिया है। थोड़ा सा पनीर लिया है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है। चीज लिया है ग्रेट करके, हरी प्याज ली है कटी हुई, हरी मिर्च कटी हुई, अदरक कद्दूकस किया हुआ, 1 चम्मच चाट मसाला लिया है, 1 चम्मच आमचूर पाउडर, आप इसके जगह नींबू का रस भी ले सकते हैं। पुदीने के सूखे हुए पत्ते लिए हैं, आप चाहे तो फ्रेश पुदीने के पत्ते भी ले सकते हैं। करी लीव्स लिए हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने लिया है 2 पिंच हींग और मसाला पाउडर में 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार 1 चम्मच। तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं समोसे के लिए डो। तो एक परात में हम 2 कप मैदा ले लेते हैं। मैदा हमें छान के लेना है। इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच नमक और 1 चम्मच अजवाइन। अजवाइन को हमें इस तरीके से हथेली पे घिस के डालना है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही निखर के आता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 कप ऑयल। ऑयल को मैंने यहाँ पे गरम कर लिया था और गरम गरम ऑयल हमें इसमें डालना है और स्पून से हमें इसे मिक्स करना है ताकि आपके हाथ जले नहीं। और इस तरीके से अगर आप करोगे तो जो समोसा है ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा फ्रेंड्स। तो अब थोड़ा ऑयल ठंडा हो चुका है तो इस तरीके से हाथ से हम इसे मसल लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से अच्छी तरीके से हाथ से हमें इसे मसल लेना है। और अब हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो बना लेना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका मीडियम सॉफ्ट डो हमें बनाना है, ना ज्यादा सॉफ्ट और ना ज्यादा हार्ड। तो बिल्कुल इस तरीके से मीडियम सॉफ्ट इस तरीके से डो हमें बनाना है। और अब हमें इसे ढक के रखना है गीले कॉटन के कपड़े से। लगभग 15 से 20 मिनट के लिए इसे ढक के रख देते हैं और तब तक हम बना लेते हैं स्टफिंग। तो स्टफिंग बनाने के लिए कढ़ाई में हम डाल देते हैं 2 बड़े चम्मच तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं और अब हम इसमें हींग डाल देते हैं 2 पिंच, अदरक कद्दूकस किया हुआ, हरी प्याज कटी हुई और अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे इन्हें हमें फ्राई करना है। अब हम इसमें हरी मिर्च भी डाल देते हैं और साथ ही कटे हुए करी लीव्स भी डाल देते हैं और बस आधा मिनट के लिए इसे फ्राई करते हैं। तो ये देखिए, बस हमें कच्चापन निकालना है इनका, इनका कलर चेंज नहीं करना है। तो ये देखिए, अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें उबली हुई मटर डाल देते हैं और 1 मिनट के लिए इसे भी हम फ्राई कर लेते हैं। आप चाहे तो कच्ची मटर का भी यूज इसमें कर सकते हैं, पर बॉईल करके अगर आप मटर लोगे तो ये जल्दी से पक जाएगी। अब हम इसमें सूखे हुए पुदीने के पत्ते इस तरीके से मसल के डाल देते हैं, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आपके समोसे में। और अब हम ये सारे मसाला पाउडर भी डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए, अच्छे से हमने यहाँ मसाला मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें बॉईल आलू डाल देते हैं, मैंने इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और सारे मसालों के साथ आलू को अच्छे से हमें इसमें मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए, अब हम इसमें डाल देते हैं आमचूर पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच चाट मसाला, आप इसके जगह नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डाल देते हैं कटे हुए पनीर के पीसेस। तो मैंने यहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में पनीर को कट कर लिया है और लगभग 1 मिनट हम इसे चलाते हुए इसी तरीके से मिक्स कर लेना है। आप चाहे तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं
या इस तरीके से भी डाल सकते हैं। हरा कटा हुआ धनिया भी डाल देते हैं और मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आलू की स्टफिंग वाली सब्जी बिल्कुल यहाँ तैयार हो चुकी है समोसे के लिए। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं लुक वाइज ही ये कितनी प्यारी लग रही है, टेस्ट में भी ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। चलिए देखते हैं डो हमारा तैयार है या नहीं। तो ये देखिए डो भी अच्छे से सेट हो चुका है। तो हमें क्या करना है, पहले इसे मसल लेना है अच्छे तरीके से। और ये देखिए इस तरीके से मसलने पे डो भी हमारा तैयार हो चुका है। तो ये देखिए समोसे के लिए डो भी तैयार है और स्टफिंग के लिए सब्जी भी। तो चलिए समोसा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डो का एक पोर्शन ले लेना है, जितना बड़ा हमें समोसा चाहिए उतना बड़ा। तो ये देखिए इस तरीके से मैं डो का एक पोर्शन ले लेती हूँ और इसे हमें इस तरीके से गोल बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक लोई ले ली है। अब हमें अच्छी तरीके से इसे बेल लेना है, जैसे आप रोटी बेलते हैं। इस तरीके से किनारों पे आपको इसे बेलना है, जैसे आप रोटी बेलते हैं ना बिल्कुल वैसे ही आपको बेलना है। इस ट्रिक से बिगिनर्स जो फर्स्ट टाइम समोसा बना रहे हैं वो भी बहुत ही आसानी से समोसा बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी मेरी आप जरूर ट्राई कीजिएगा और अपनी कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरीके से बेल लिया है, ना ज्यादा मोटा और ना ज्यादा पतला हमें इसे बेलना है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल ऐसे ही हमें बेलना है, बहुत ज्यादा मोटा नहीं बेलना है। अब हमें क्या करना है, चाकू की मदद से इसे हमें बीच में से कट करना है। ये देखिए इस तरीके से, मतलब कि एक रोटी में हमारे दो समोसे बन जाएंगे। तो इसे मैंने आधे से कट कर लिया है। अब एक कोना लेके इसे फोल्ड करना है और अब हमें क्या करना है, पानी ले लेना है और पानी हमें इस तरीके से इसके किनारों पे लगाना है। और ये जो नेक्स्ट पॉइंट है इसे हमें यहाँ अटैच करना है और अच्छी तरीके से जॉइंट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से हमें दबाते हुए प्रेस करते हुए जॉइंट कर लेना है। और ये देखिए हमारा समोसे के लिए कोन बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें क्या करूँगी, आलू की जो हमने सब्जी बनाई थी ना पनीर वाली, वो डाल देती हूँ और साथ ही इसमें क्रश किया हुआ चीज डाल देते हैं। चीज आपके पास जो भी अवेलेबल है आप वो यूज कर सकते हैं। तो एक चम्मच चीज भी यहाँ मैंने डाल दिया है और ऊपर से फिर से ये सब्जी डाल देते हैं। अब आपको एक याद रखना है कि समोसे को ऊपर तक फिल नहीं करना है, थोड़ी ऊपर आपको जगह इसमें छोड़ देनी है। और अब हमें क्या करना है, इस तरीके से फोल्ड करना है एक बार और इसे आगे की तरफ ले जाते हुए यहाँ पे क्लोज कर देना है और अच्छी तरीके से दबाते हुए इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए आपको क्लोज कर देना है। तो ये देखिए बहुत ही आसानी से आपका ये समोसा यहाँ पे तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, कितना प्यारा लग रहा है। तो अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं और नेक्स्ट समोसा भी ऐसे ही बना लेते हैं। मैं आपको और एक बार बना के दिखा देती हूँ। तो फिर से मैंने एक लोई ले ली है, इसे हमें बेल लेना है रोटी की तरह, जैसे हमने फर्स्ट टाइम बेली थी उसी तरीके से इसे हम बेल लेते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे बेल ली है, बिल्कुल बहुत ज्यादा मोटी नहीं बेली है। अब हमें क्या करना है, बीच में से इसे कट कर देना है। इसमें भी हमारे दो समोसे बन जाएंगे और इसे इस तरीके से कोने से फोल्ड करके यहाँ हमें लगा देना है पानी और नेक्स्ट पॉइंट से यहाँ पे इसे लाते हुए क्लोज कर देना है और प्रेस कर देना है। तो ये हमारा समोसे के लिए कोन तैयार हो जाता है, ये देखिए। और अब हमें क्या करना है, इसमें स्टफिंग भर देनी है और स्टफिंग भरते वक्त ख्याल रखना है ऊपर से आपको थोड़ा सा जगह इसमें रखनी है, ऊपर तक फुल नहीं करनी है स्टफिंग। आलू की सब्जी डाल देते हैं पनीर वाली और अब हम इसमें चीज डाल देते हैं। आप कोई भी चीज इसमें डाल सकते हैं और ये देखिए आलू की सब्जी फिर से डाल देते हैं। और अगर आपको फोल्ड नहीं करते आ रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है, इस तरीके से पैक कर देना है और प्रेस करते हुए आपको ये क्लोज करना है ताकि तेल में ये फट ना जाए।
अच्छी तरीके से दबाते हुए इसे क्लोज करना है। इस तरीके से आसानी से आपने ये समोसा बनाना है। ये देखिए मैंने इसमें फोल्ड भी नहीं किया है, फिर भी अच्छे से बन चुका है। तो सारे समोसे हमने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। तो नेक्स्ट स्टेप है फ्राई करने की। तो मीडियम फ्लेम में ही हमें इसे फ्राई करना है। तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, आप देख सकते हैं हल्के गुनगुने तेल में ही हमें समोसे को डालना है। ये देखिए जितने समोसे एक टाइम आते हैं ना उतने ही डालना है, और जब ये ऊपर आ जाए तभी हमें इसे हाथ लगाना है, उससे पहले नहीं। ये अपने आप ऊपर आ जाते हैं और तेल पे फ्लोट होते हैं। तो ये देखिए एक साइड से ये जब फ्राई हो जाते हैं ना तभी हमें इसे इस तरीके से पलट देना है, और इस तरीके से पलटते हुए गोल्डन ब्राउन कलर होते तक हमें इसे फ्राई करना है, और गैस की फ्लेम हमें रखनी है लो मीडियम। तो ये देखिए पलटाते हुए इसका कलर चेंज होते तक फ्राई करते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। समोसे तैयार है, तो इसे ऑयल से निकाल लेते हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल हलवाई स्टाइल समोसे हमारे यहाँ तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले हम इसे टिश्यू पेपर पे निकालते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए, और बाकी भी समोसे बना लेते हैं। ये देखिए बाकी समोसे भी मैंने ऐसे ही बना लिए हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए घर पे ही बिल्कुल हलवाई स्टाइल यम्मी टेस्टी पनीर चीज के समोसे हमने यहाँ पर बनाए हैं। आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, इस होली आप जरूर ये समोसे बना के देखिएगा, और अपने फीडबैक मुझे कमेंट जरूर करिएगा, और मेरी रेसिपी कैसी लगी जरूर बताइएगा। न्यू व्यूअर्स मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स मेरे चैनल पे आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको एक समोसे को कट करके दिखाऊंगी। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी बना है, आप देख सकते हैं कितनी क्रिस्पी इसकी आवाज आई है, बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी टेस्टी है समोसा बना है। फ्रेंड्स मैंने इसे पीनट चटनी के साथ सर्व किया है, और पीनट चटनी की रेसिपी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। तो चलिए एंजॉय करते हैं पनीर चीज समोसा। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे बहुत ही इजी टेस्टी यम्मी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।